आपको बता दें आज बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर करेगी बैठक। प्रदेश कार्यालय पर होगी आज भाजपा की बैठक। आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह रहेंगे इसमें मौजूद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर करेगी बैठक। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। भाजपा कार्यालय में ही होगी भाजपा की बैठक। आइए सीधे आपको लाइव ले चलते हैं अशफाक के पास। अशफाक, जिस तरह से आज बीजेपी की बड़ी बैठक है आगामी निकाय चुनाव को लेकर, और जिसमें कि कई मुख्य पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो है, साफ है कि आगामी चुनाव को लेकर, इसके अलावा और क्या खास बातें होंगी इस बैठक में अशफाक? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव होने वाला, इसको लोकसभा का ट्रेलर माना जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो है 13-15 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में वोटर हैं और करीब 4 करोड़ से ज्यादा वोटर नगर निकाय चुनाव में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है 17 नगर निगम मौजूदा हालत में है और 200 से ज्यादा नगर पालिका है और करीब जो है 400 के आसपास जो है नगर पंचायत है। बड़ा चुनाव है, चुनाव की तैयारियां चल रही है और कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है ये चुनाव हो सकते हैं। नगर निकाय का जो विभाग और निर्वाचन आयुक्त हैं लगातार तैयारियों कर रहे हैं, क्योंकि कई नगर निगम ऐसे हैं जिनका परिसीमन जो है चेंज किया जा रहा है, कई नई नगर पंचायत और नगर पालिका बनी हुई है और कई को विस्तार किया गया। बीजेपी जो है, अगर शहरी क्षेत्रों में बात की जाए और पिछले चुनाव की बात की जाए, तो बीजेपी जो है लगातार जो है अच्छा प्रदर्शन करती रही है। पिछले चुनाव में 16 नगर निगम थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 14 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद नगर पालिका और नगर पंचायत में भी उसे जो है अच्छी सफलता मिली थी। बीजेपी इस सफलता को दोहराना चाहती है, साथ ही जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो उसकी तैयारी है कि 70+ सीट जीतने की, उसकी कोशिश में भी वो लगी हुई है। यही वजह है कि आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, प्रदेश जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल हो, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें जो रणनीति बनाई जा रही है वो 3 स्तरीय रणनीति बनेगी। एक पहली रणनीति नगर निगम को लेकर बनेगी, फिर नगर पालिका को लेकर बनेगी, उसके बाद नगर पंचायत को लेकर बनेगी। और बीजेपी ने तमाम जो नगर निगम उसके पदाधिकारी घोषित कर रखे हैं, जिसमें मंत्रियों और बड़े नेताओं को कार्यभार दिया गया, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और चर्चा की जाएगी किस तरह से रणनीति बनाई जाए, अगर थोड़ा बहुत नाराजगी वोट रूम है तो उसको कैसे दूर किया जाए। इसलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और अभी जो है जो कयास ये लगाया जा रहा है इतने लोगों की तरफ से कि टिकटों को लेकर और तमाम चर्चा होगी, ऐसा अभी तक जो है जो सूत्र है वो नहीं बता रहे। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ रणनीतिक चर्चा होगी और मुद्दे जो होंगे वो तय किए जा सकते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जो है जो शहरी वोटर उनके पास जाए बीजेपी। बिल्कुल ठीक कहा अशफाक आपने कि जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और जैसा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहां पर 2 डिप्टी सीएम हैं और इतना बड़ा जो 75 जिले आप बता रहे हैं, तो 75 जिलों को लेकर भी काफी तैयारियां करना पड़ेगी बीजेपी को। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ अशफाक।